अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो बाबा जी, सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शेयर। अर्ज किया है कि अगर आपकी पिंग आती होगी अच्छी तो एनिमी आपको सताएगा नहीं। वाह 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 वाह, क्या अल्फाज है, चुन के निकाले गए हैं लफ्ज़ों के पहाड़ को खोद कर चुन कर ये सस्ती शायरी के लिए अल्फाज निकाले गए हैं। तो वाह वाह करके दाद दीजिएगा। अर्ज़ किया है कि जब आपकी पिंग आती होगी अच्छी तो एनिमी आपको सताएगा नहीं। मेरा दोस्त उठा के रखेगा ढेर सारे स्कोप, लेकिन इतना तेज़ है बताएगा नहीं। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो सबके सब गाइस ठोक दो लाइक बटन। और हम लोग जा रहे थे मुल्तान वाली मिलिट्री बेस, और यहाँ पे होने वाला धमाल, क्योंकि गन फाइट तो नहीं होती बट काफ़ी ज़्यादा बंदे आ जाते हैं। तो हमने अपना पैराशूट खोला, मतलब पबजी वाले ने खोला, हम तो नहीं खोल सकते अपना पैराशूट। हाँ, हम खोल सकते हैं डैप करके लॉल। तो उसके बाद गाइस हम ऊपर देख रहे थे कि आसमान में बंदे तो नहीं आ रहे, बट कोई आया नहीं था। और फिर हमने बैग वगैरह यहाँ से उठा लिया और जम करेंगे बाबा जी नीचे। और नीचे जाके हम सारा नीचे गिर गई, सारा के बम्पे चोटने लगी, शुक्र है। और फिर सारा ऊपर जाके ढूंढेगी गन, गन मिल जाओ। देखो गाइस सारा का लक। अच्छा गाइस मुझे ये बताओ कि 100 में से कितने परसेंट आपको लाइक पहली गन M4 मिलती है? आप परसेंटेज टाइप करके बताना कि लाइक 10%, 15%, जब भी आप लैंड करते हो आपको M4 मिलती है, या फिर नहीं मिलती तो उतनी परसेंटेज कम होनी चाहिए। तो सबके सब कमेंट करके लाजमी बताना, और ठोक दो लाइक बटन गाइस अगर अभी तक लाइक आपने नहीं किया। तो गाइस सामने से आ जाता पूरा स्क्वाड, हमारी ज़िंदगी आ जाती है बाबा जी खतरे में। तो हमने स्पॉट किए, एक भाई जी हम वो नॉक हैं, दूसरे भाई लो हैं। भाई इस भाई ने तो सरप्राइज दे दिया हमें। अरे भाई उजी लेके आ गए थे, उन्होंने काफी डैमेज दे दिया। बाबा जी फिर जंप करके हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए, और हमें मिल गए यहाँ पे किल। और फिर हम टैप टैप करके जल्दी जल्दी लूट करेंगे, क्योंकि टीममेट्स को लूट नहीं देनी इनके आने से पहले। सारी क्रेट चेक कर लो, सारी काम की चीज़ें उठा लो। और उसके बाद बाबा जी हम लोग यहाँ से निकले, उठाएंगे अपनी गधा गाड़ी। गधा गाड़ी उठाने के बाद अपने टीममेट्स को बिठाएंगे और फिर निकलेंगे बंदे ढूंढने के लिए। और गैस उसके बाद हम सीधे पहुँच जाएंगे बाबा जी नोवो। नोवो आए, नोवो देखा, लाइक हॉट ड्रॉप था नोवो भी, थोड़ा सा ग्लाइड करके आप लोग आ सकते थे, बट यहाँ कोई था नहीं। गैस जैसे हम पचिंकी के पास गुजर जाते हैं या पूरी की पूरी गाड़ी आके हमारे साथ ठुक जाती है, लेकिन मैंने जानबूझ के ठुक दिया थे। तो बाबा जी यहाँ पे हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए, हमारे दोनों टीममेट्स नॉक थे, लेकिन हमने बस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भी और इनकी भी जिंदगी बचा ली, और अपना गेम प्ले जो बनने वाला है वो भी बचा लिया। और फिर इनको देंगे मजे से रिवाइव, और क्या तो खुशी हो रही थी गैस। पता पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता है, लाइक ये लोग ना, अब ये जो भी होता है ना, लाइक पबजी में जो भी खेलता है गैस, वो क्या करेगा, गाड़ी है ना साइड में कवर में लगाएंगे या कार फाइट ले लेंगे। मुझे होता जाके ठोकूँ, जिससे हम फिल्में नहीं होती एक्शन फिल्में, नो 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 नो, ढुस करके ठोक दो बस। फिर वहाँ पे फिर मतलब कोई म्यूजिक लगे जब फाइटिंग वाला, और फिर बस बंदे मार दो, लाइक वो हीरो हीरो गिरी वाला सीन होता है अपना। मैं इसीलिए मैंने देखो गाड़ी ला कर उनके आगे ठोक दी, वरना ऐसे कोई भी नहीं करता लॉल। और फिर गैस हमने मजे से यहाँ पे की लूट, और लूट करने के बाद बाबा जी हम लोग पहुँचे अपार्टमेंट, और यहाँ ऑलरेडी बंदे थे। तो हमारी जिंदगी आ गई दोबारा से खतरे में बाबा जी। गाड़ी अपनी साइड पे लगाई और यहाँ पे हम लोग बंदे ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आ गया और स्पॉट कर रहा था। तो सामने वाली बिल्डिंग से साउंड आया, क्या सामने वाली बिल्डिंग में बंदा है, छत पे से साउंड आ रहा था कि एक बंदा छत पे घूम रहा था। एक नेट निकाला और हम फेंकेंगे बाबा जी नेट छत पे, नेट एकदम परफेक्ट था, ठा करके फटा, लेकिन शायद बंदा थोड़ा पीछे था तो बच गया। फिर हम कर देते हैं बाबा जी आगे की तरफ रश, आ जाती जिंदगी खतरे में। मैं अपने पहले टीममेट को एनिमी समझ रहा था लॉल, पर फिर मैं उसको नॉक किया, दो बंदे नॉक किए गए यहाँ पे। ये भाई ऊपर से जंप करके आए, इनको डाउन किया, फिर ये पता नहीं कहाँ से पड़ रही थी, तो मैं पीछे आ गया क्योंकि मेरी आधी हेल्थ थी गाइस, और मैं नहीं चाहता था नॉक हो जाऊँ। दो बंदे नॉक हो जाएँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपकी टीममेट चार है ना, तो ट्राई करो कि दो नॉक कभी ना हो, तीन भी है तो ट्राई करो दो नॉक कभी ना हो। अब गाइस उनका ना, वो लोग ना जंप कर रहे थे, मीटअप कर रहे थे, और फिर हम लोग भी लाइक नहीं मार रहे थे, लेकिन एक बंदा उनका आया और उसने अचानक से ना नॉक कर दिया और फिनिश कर रहा था। तो ये समटाइम होता है गाइस। अब वो भाई देखो, वो वाले जो मीटअप कर रहे हैं, हमने उनको नहीं मारा इसीलिए उनसे फाइट नहीं ली हम, लाइक छोड़ दिया, ये भाई बैठे हैं। लेकिन इनके टीममेट थे ना, वो मीटअप करते करते अचानक से गए, उन्होंने निकाली गन और ठा ठा ढुस ढुस कर दिया हमारे साथ।
लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लास्ट टाइम उसके बाद बताया गैस था हम लोग मैंने। यहाँ से निकले अपने एनोनिमस की पब्लिक से मिलने के बाद सीधा पहुँचेंगे बाबा जी फ्लेयर ड्रॉप की तरफ। पास में फ्लेयर चली थी, मैं जा रहा था जोन में, बट मैंने यहाँ पे देखा वो थैंक भाई यू। फ्लेयर नहीं देखी थी, लाइक ड्रॉप आते हुए नज़र आ गया बस। ओके और फिर हम लोग यहाँ पे रश करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ जो हुआ ना गाइस, वो था मेरी बेइज्जती, नहीं बेइज्जती तो नहीं गाइस, ये वाला ऊपर वाला बंदा नॉक के छत पे बैठा था। हाँ बट हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक हो जाएगा। और सामने बंदा था गाइस, वो बच गया, ऊपर एक नॉक है। रीलोड करेंगे अपनी गन और ऊपर जाएंगे, और ऊपर अपनी अभी होने वाली है थोड़ी सी बेइज्जती, प्रैंक होने वाला है, लाइक दो बार होगा अपने साथ प्रैंक। गए छत पे बंदा था, मुझे था छत पे रिवाइव दे रहा होगा। नेड कुक करके जाता हूँ गैलरी में जाकर, ये सामने वाली जगह पे जाकर ऊपर फेंक दूंगा नेड। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा सामने खड़े हैं दोनों बंदे, नहीं मतलब क्या था करके नेड फटा। अब इससे क्या हुआ गाइज, मेरी अरे टीममेट भी फिनिश और जो वो है ना उनके भी दोनों बंदे गए। इतना फनी नेड था, और इससे मेरा खतरनाक है। मेरिट भी गिर चुका है। और फिर बेइज्जती सी हो गई थोड़ी सी, और वो वाला सीन हो गया था। तो उसके बाद गैस हम यहाँ पे देंगे अपने आप को रिवाइव, लॉल हमारे टीममेट हमारे रिवाइव देंगे। और दो बंदे बचे थे, एक बंदा डाउन हो वाह, चुका है। एक भी बंदा आप लूज कर दो तो आप थोड़ा सा ना वो टोकन पे आ डाउन गया। हो जाता है, लाइक टीम एनर्जी जो होती है ना वो डाउन हो जाती है। तो गैस हम पीछे आ गए थे ताकि रश ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक और अलग स्क्वाड आ चुका है। अभी यहाँ पे फाइट ख़त्म नहीं हुई, पूरा का पूरा स्क्वाड एक अलग आ चुका है। और फिर हमने यहाँ पे हील किया, फिर साउंड आ रहा था कि बंदा सामने है। अब गैस देखो वो बंदा वहाँ ड्रॉप के पीछे है और मुझे नज़र नहीं आया, लाइक इतनी इतनी कमज़ोर आंख है मेरी, मुझे वो बंदा नज़र नहीं आया कि ड्रॉप के पीछे हो। जब तक मुझे वो नज़र आया वो अच्छा बंदा अच्छा वहाँ से ठीक भाग लिया। है, निकल गया। तो फिर मैंने नेट भी कैंसिल कर दिया, और फिर हम आके यहाँ से स्पॉट करने का ट्राई करेंगे कि यहाँ से शायद हमें एंगल मिले और हम भाई को डाउन करें। बट यहाँ पर हमें फ़िलहाल कोई एंगल मिल नहीं रहा था। देखना है। लेकिन बाबा जी फिर हमने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे हम जिंदा बच गए और हमारे टीममेट की बैंड बच गई। हम आ गए स्क्वाड में एकदम कवर के साथ साथ, ठीक है गाइस। अब हमारे साइलेंट भैया ओपन से आ रहे थे स्क्वाड हाउस के अंदर, इनकी बैंड बच गई थी और इनको नॉक एंड फिनिश कर दिया उन लोगों ने। अब ये बचे हैं पूरे के पूरे चार गाइस, और आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी नूब है, सब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको देखने से लगेगा, ठीक है। तो फिर अगर जब ये सामने वेस्ट उठानी थी मैंने, तो एक नेट निकाला, नेट फेंकेंगे उसके बाद वेस्ट उठाते हैं क्योंकि वेस्ट नहीं है। और बिना वेस्ट के अगर 1v4 करने जाएंगे तो हम ही लॉबी में वापस पहुंच जाएंगे। फिर मैं एक ट्राई कर रहा था। अब गैस वो बंदा एक वहाँ ना रिवाइव देने उसको आ गया, तो हमने यहाँ पे आके वेस्ट उठाई। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि बस जंप कर देता हूँ, वही हीरो गिरी वाला। मैं कहा ना आपको ऐसे उल्टे काम करने में मज़ा आता है, नेड वेट नहीं किया, सीधा जंप कर दिया, नॉक किया, दूसरे को भी नॉक किया, ड्रॉप के पीछे आगे बैठ गए, थोड़ी ज़िंदगी खतरे में आई हुई, दो बंदे नॉक हैं इनके। फिनिश करने का ट्राई किया बट नहीं कर पाया, तीन बंदे नॉक किए। अब गैस मेरी बेवकूफ़ी आप देखना, लाइक आपका अनोनिमस कितना सादा है वो आप देखोगे कि मॉली यहाँ पे फेंकी जहाँ से उसके आखिरी बंदे का साउंड आ रहा था। अब मैं उसके आखिरी बंदे का वेट करने लगा बैठ के मज़े से, क्योंकि उनका एक बंदा ही बिल्कुल मेरे सामने, तो मुझे था कि वो आके ना मुझे मारेगा, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा जो उसके बाकी दो बंदे थे ना वो वापस अंदर जाके हो जाएंगे रिवाइव, तो ये 1v4 की जगह 1v7 हो जाएगा, वापस से रिवाइव हो जाएंगे सब। और मैं मज़े से बैठ कर आराम से वेट कर रहा हूँ, सोचा एमके उठा लूँ, तो मैंने यहाँ पे एमके उठा ली और फिर वेट करने लगा उनका कि भैया आइए हम फिर थोड़ा सा फ़ायदा लें आपसे, और अब और आएगा अब भाई आएगा क्या अब है आएगा, ये सोच के मज़े से बैठे। फिर सारण बोला अबे भाई बेवकूफ़ वो रिवाइव दे रहा होगा। फिर हमने कर दिया रश, और वाकई में वो रिवाइव दे रहा था, हमने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, हमारी जो है ना हमारे साथ एक और प्रैंक हो गया। गाइज अब मुझे बताओ मेरे साथ ये ग्लिच हो रहा है कि मेरी स्क्रीन ना काम करना छोड़ देती है। अभी आपने देखा मैं एक सामने एक ही जगह पे खड़ा हो गया था, वो यही हुआ था मेरे साथ। आपके साथ ये हो रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि लाइक पता चले पबजी का ग्लिच है या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अचानक से स्क्रीन काम करना बंद कर देती है। तो गाइज अब वो सब रिवाइव हो चुके हैं, फिर मैं एक साइड पर कर देता हूँ रश। वो एक बंदा गैलरी में गया था तो मैंने वहाँ पर रश किया, और ये फ़ौरन से नीचे जंप कर जाएगा। बाकी बचे दो, ये एक गया, इसने गैस हील की थी तो उसकी गन पीछे थी, लॉल ये हमने डाउन किया बाबा जी, हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गया कल इस्तेमाल करते हुए एक और बार। हमारी जिंदगी काफी ज्यादा खतरे में आ गई थी बाबा जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच गए, हमें बहुत खुशी हुई जिंदा बच के। ब्रो फिर जरा गैस हम मुझे इनकी वो करेंगे मजे से ब्रेसलेट लूट, देना तुझे कल। और एटेक्स वेटेक्स मिल गया था। अब गैस बचे थे लाइक लूट करते करते यार जोन में मुझे जाते यार जाते ये ना, कुछ क्यों नहीं करता, मुझे ये नहीं समझ आई। नींद आ दोनों रही है दोनों गाइस। बार एम लूट के ले करते लूंगा करते यार, जोन में जाते जाते अलाइव रह पूरा जाएंगे कम, और पूरा
और फिर मजे से देखो लूट, मतलब इतनी लूट है फिर भी पेट नहीं भर रहा। अलाइव कितने, सिर्फ 7 बंदे मुझे छोड़ के। फिर लूट करने के बाद हमने फैसला किया अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट कर लिया और ज़्यादा यहाँ रुकेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। अभी भी बैठा है मुझे से बातें कर रहा है टीममेट से नूबड़ा, अभी भी उठ के जा नहीं रहा। ओके भाई चला जा भाई मेरे, कब तक बैठा रहेगा यहाँ भाई मेरे, कैंपिंग करना छोड़ दे जा। ओके सुन ली इसने मेरी। फिर गाइस ये अपनी मेहरान गड्डी नहीं घरा गाड़ी उठा के जोन में जा रहा था और यहाँ पे हमारे साथ होने वाला है तीसरी बार पी रैंक। पूरी की पूरी गाड़ी आ गई लॉल, एक ही गोली में देखो कितनी हेल्थ ले गए, अल्लाह पूछे। पर यहाँ फिर हमारी बच गई बैंड और आज हमें नहीं मिला चिकन विनर डिनर डिनर, थर्ड आए थे। मुझे लग रहा है फास्टेस्ट टीडीएम कह सकते हैं हम इसको, इसकी टाइमिंग थी 2 मिनट 59 सेकंड्स में ये टीडीएम खत्म हो गया था गाइस। मैंने भाई पे छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है मर जाएगा बट फिर वो मरता नहीं है, मेरे साथ पी रैंक हो जाता है। तो पहली बार मरने के बाद हम लोग वापस से आए और आगे कर दिया राइट, निकाल ली हाथ में 6 किल हमारे 4 किल हमारे। ये देखो गाइस 12 मैंने छोड़ दिया, डेड रीलोडिंग। ये चीज चेक करो आप, ये चेक करो। ओ ये तो भाई के साथ बैंक हो गया गाइस, टीम के 21 किल्स हो चुके हैं। लेकिन हमारी बैंड बज गई और फिर हम जाएंगे दोबारा से 5 के लिए हमारे 7 के लिए टीम के 24 के लिए, तो मतलब सबके बराबर ही जा रहे होंगे। फिर हम पिछवाड़ा ज़मीन पर घिसते हुए बढ़ रहे जाएंगे वापस करने के लिए रस, और ये आ गए। ये जा तुम गन को आईडी नहीं होता कि हुआ क्या यहाँ पे लॉक कर दिया है। Killing spree for the blue team. डाउन 11 के हमारे थे, रीलोडिंग 12 और 34 हमारे हो चुके हैं। Great, you're about to win. The blue team is heading to a perfect win. फिर से जाएंगे सारे जाएंगे आगे की तरफ बढ़ने की हुई है और काफी आगे जाने के बाद हमें कोई एनिमी नजर आएगा या हमने बारे में भाई लाइन टारगेट चुराया हमने गाइस। साइड से हमें साइको सलमान भैया ने हमारे स्क्वाड में भैया हमारी अंदर ले। अब मैं बता था और किल हमें मिलने वाले हमें नहीं मिली थी विक्टोरी MVP। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट में जरूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसी प्यार करते रहना सपोर्ट करते रहना पब्लिक, दुआ में याद रखना और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर देना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अनॉनिमस की पब्लिक, लव यू, अल्लाह हाफिज़।